हाँ भाई, इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो आज ऐसा? बिरयानी पक रही है भाभी। बिरयानी? बहन, आज इतवार नहीं है जब तू बिरयानी बना रही है। मैं जानती हूँ आज इतवार नहीं है, वो दरअसल आयशा का आखिरी पेपर था ना, तो उसकी फरमाइश पे बना रही हूँ। वाह भाई, हमारी फरमाइश पे तो कभी पलाव नहीं बना, और इनकी फरमाइशों पे तो बिरयानियाँ बन रही हैं। खैर मुझे क्या। अरे अम्मी जल्दी करें, मैंने गाड़ी मंगवा ली है, जल्दी आ भी जाइए अब आप। अरे भाई अजरा, मैंने तुम्हें कहा था कि 6 बजे मंगवाना गाड़ी, 5:30 बजे मंगवा कर बैठ गई हो। तुम्हें पता है कि मैं पहले कुरान मजीद पढ़ती हूँ, इसके बाद जो काम करना हो वो करती हूँ। अरे अम्मी जो भी है, आधा घंटे का फ़र्क है ना, आ गई बस गाड़ी तो आ गई, अब चले जल्दी आइए। भाभी सर चाय बना देंगी? आप जा तो रही हैं, वहीं जाकर चाय पी लीजिएगा। अरे वहाँ रिश्ता देखने जा रही हूँ या चाय पीने? अच्छा थोड़ी ना लगेगा वहाँ बैठ कर चाय पीऊँगी, तो आप बना देना। भाभी वहीं पी लीजिएगा प्लीज़, मुझे मत तंग करें, अभी कोई भी चूल्हा फ्री नहीं है। अच्छा फबीहा बेटा, मैं ज़रा जा रही हूँ तुम्हें पता है रिश्ता देखने, तो तुम पीछे से संभाल लेना, खाना वगैरह बना लेना, ठीक है ना? जी अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हैं, आप जाएं, मैं हूँ ना घर में। अरे हाँ भाई अम्मी, 1 साल के लिए नहीं जा रहे, कुछ घंटों के लिए जा रहे हैं, संभाल लेगी वो। चलें अब, आप बाहर गाड़ी आई है और आपकी नसीहतें ही नहीं ख़त्म हो रही भाई। और बताइए आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे बहन, हम रिक्शे में थके थोड़ी ना खाते हैं, एसी वाली गाड़ी में आते हैं। क्यों भाई अम्मी, बताइए ना इनको, हम जब भी बाहर जाते हैं तो एसी वाली गाड़ी में जाते हैं। अजरा चुप बैठो। और बताइए आपकी बेटी कहाँ है, घंटा हो गया उससे चाय ही नहीं बन रही। अजरा कंट्रोल करो, क्या बोल रही है तुम? बस आती होगी, आने ही वाली होगी, बना तो रही थी चाय, आ जाएगी, आप फिक्र मत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय बना दूँ आपके लिए? अम्मी के कमरे में भेज देना बनाकर। पर अम्मी तो घर पे नहीं है। क्यों, अम्मी कहाँ गई हैं? अम्मी वो रिश्ता देखने गई हैं वासिफ के लिए। अच्छा ठीक है, मैं चाय बना दूँ? बना दो। जी। और तुम्हें कितनी बार कहा है इस तरह मेरे सामने बार बार मत आया करो, तुम्हारी शक्ल से नफरत है मुझे। जी जल्दी बनाओ चाय और लेकर आओ, एक तो गर्मी में काम करो, ऊपर से आके इनकी शक्लें देखो यहाँ। आ गई मेरी बेटी। आय हाय अस्तगफिरुल्लाह, ये आपकी बेटी? ये नहीं, उसके पीछे मेरी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? जी वालेकुम सलाम आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक बेटा। वाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है आपकी बेटी की, इतनी भी तमीज नहीं है कि ट्रे में जूस ले आए, हाथों में पकड़ के ले आई है। सॉरी, वो दरअसल बच्ची है ना, गलती तो हो जाती है, इतनी बड़ी बच्ची। असरा क्या जरूरत थी सबकी? मैं चुप करें। और बताओ भाई, खाना शाना बनाना आता है, बेकिंग वेकिंग करनी आती है या नहीं? बेकिंग तो करनी नहीं आती, खाना थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। क्या, बेकिंग नहीं करनी आती? वाह भाई वाह, बेटी को बेकिंग ही नहीं करने आती। मैं सीख रही हूँ, इंशाल्लाह सीख जाऊँगी। अच्छा बैठो तो सही, तुम तो सहम ही गई हो। अरे अम्मी यहाँ पे कुछ पूछ ले, ये ना वो बात में ये लोग कहें। अम्मी खामोश बैठी थी और बहू चपड़ 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 बोली जा रही थी। माशाल्लाह बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है। जी और बताओ, क्या कर रही हो, क्या पढ़ रही हो, क्या किए क्या नहीं किया, क्या करती हो? जी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा पढ़ाई में क्या कर रही हो? मैंने मास्टर्स की है। ओ वाह वाह वाह। वैसे मुझे आपसे एक शिकायत है, अगर आप अपने बेटे को साथ ले आती तो। अरे भाई हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है कि लड़के को साथ लेकर आए, लड़की लड़का बातें करें, शर्म की बात है दरअसल। अम्मी कुछ बोलिए ना आप भी। जी मैं ये कह रही थी कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, मैं घर जाऊंगी आपको कॉल करके बता दूंगी। जी मेरे बारे भी बिल्कुल इन्होंने यही कहा था कि बहुत अच्छी है। वैसे आप लोगों ने खाने में बहुत कंजूसी की है।
मुझे तो लगा था कोई चाय शाय होगी, समोसे वगैरह। अजरा मजाक कर रही हूँ, आप लोग भी ना मजाक को नहीं समझते। आप कहती हैं तो मैं चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं अब क्या ज़रूरत है चाय बनाने की, बैठो अब तो जाने का वक्त हो गया है। क्यों भाई अम्मी? ऐसे कैसे जाने का वक्त हो गया, आपने तो जूस भी नहीं पिया। अरे लीजिए ना आप। अरे क्या ज़रूरत है इसकी, अरे नहीं है तो सही। मैं भी लेती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई है, घर जाके एक बार आपको कंफर्म करके सबसे बता दूँगी जी। हाँ भाई ठीक है। अच्छा चले, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ आंटी। अब इस जन्म में चाय बना दोगी या नहीं? जी बस वो मैं ला ही रही थी, ये लीजिए। तुम इतनी तमीज़ नहीं है कि चाय को ट्रे में रख कर लाते हैं? कोई इंसानों वाली हरकतें सीख कर आई हो तुम अपने घर से या फिर नहीं? जी वो मैं दरअसल भूल गई थी। हाँ हाँ बस बस ठीक है, जाओ यहाँ से, मेरा ज़्यादा दिमाग मत खाओ, मुझे आगे बहुत गर्मी लग रही है। अरे अम्मी आप आ गई? अरे हाँ भाई आ गए हैं, तभी तो नज़र आ रहे हैं ना, या फिर खुद से ही नज़र आने लग जाए हम। बताइए ना अम्मी लड़की कैसी थी? मुझे तो लड़की बहुत अच्छी, इतनी घटिया लड़की थी, ना सर पे दुपट्टा था, ना आती सलाम किया, ना ट्रे में जूस लाई, ना कुछ बनाना आता है, ना बोलने का ढंग। अजरा तुम चुप रहो। कैसी लड़की थी अम्मी? बहुत अच्छी लड़की है, सलीके वाली है, और कपड़े पहनने का भी बहुत ढंग है उसको, समझ आई? सर पे तो दुपट्टा था नहीं, जो भी है मुझे लड़की पसंद है। मुझे तो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं घर में आएगी तो क्या करेगी। क्या मतलब है क्या करेगी? जो तुम करती हो उससे तो अच्छा ही करेगी कुछ। मम्मा क्या है तुम्हें, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। उफ शुक्र है तुम तो चाय का पूछ रही हो, वरना वो अंग्रेजों की तरह डब्बे का जूस उठाकर हमारे लिए ले आई थी। अच्छा मैं आपको चाय बना देती हूँ।